जब घर में हरी सब्जी ना हो या फिर हरी सब्जी खा खा कर अब बोर हो चुके हैं या कुछ खाने का सब्ज़ी मन नहीं कर रहा हो और कुछ चटपटा सा हेल्दी खाने का मन कर रहा हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये जो काले वाली चनी होती है उसकी सब्जी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और उसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है तो उसी की रेसिपी की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो वीडियो को एंड तक तो जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो हाय एवरीवन मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्रद्धा होम लाइफ में तो चलिए हम बनाते हैं चने की सब्जी और चने की सब्जी को ठीक हम जैसे छोले का रेसिपी बनाते हैं या जिस तरीके से छोला बनता है सेम टू सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे मगर उसमें हम आलू डालेंगे तो उसके लिए हम दो आलू लिए हैं उसे अच्छी तरह से छील ले रहे हैं ज़्यादा आलू नहीं लेना है अगर आप चाहें तो एक आलू भी डाल सकते हैं नहीं तो बिना आलू के भी इसे बना सकते हैं तो ये देखिए हम दो आलू लिए हैं ताकि इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाए और खाने में टेस्ट भी डबल हो जाए तो इस आलू को अच्छी तरह से हम काट लेंगे और इसे ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटना है बस एक आलू में आप चार या छः पीस कर सकते हैं क्योंकि जब हम इसे सीटी लगाएंगे तो बहुत जल्दी ही गल जाएगी अगर आलू बारीक रहेगी तो थोड़ी बड़ी बड़ी पीसेस रहेगी तो उसे गलने में वक्त लगेगा तो इसी हम इसकी बड़ी पीसेस रखेंगे तो चलिए आलू को हम काट लिए इसे दो पानी से अच्छे से हम धो लेते हैं आलू डालकर अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो ये रेसिपी कुछ कुछ एकदम चाट की तरह लगेगी जो ठेले वाली चाट होती है ना बिल्कुल वैसी और अगर आप इसे इमली पानी डालकर खाते हैं तो फिर इसका टेस्ट पूछे ही मत तो ये जो चने हैं इसे हम रात को ही खूब बढ़िया से दो तीन पानी धोकर रख दिए थे फूलने के लिए क्योंकि जितना बढ़िया ये चना फूलेगा उतनी बढ़िया सब्जी ये बनेगी और इस छोले को बनाने के लिए ना आप क्या कीजिए कि रात भर के लिए चने को जरूर भिंगा कर रखिए ताकि उसकी सब्ज़ी खूब बढ़िया से बन पाए तो ये देखिए फिर से इसे हम धो ले रहे हैं और चने हम उतना ही लेंगे जितना कि हमें सब्ज़ी बनानी है बाकी चने हम रख देंगे ताकि उसमें कुछ अंकुरन निकल आए ताकि वो बच्चे खा सकें बहुत हेल्दी होती है जो स्प्राउट चने होते हैं वो बच्चों को खिलानी चाहिए तो इसीलिए अक्सर हम चने को भिंगा कर रखते हैं और आज इतना हम सब्जी बनाने के लिए निकाले हैं और बाकी रख देंगे उसे अंकुरने के लिए तो चलिए देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए आलू को भी हम कट कर लिए हैं ये बड़े बड़े भाग में हम काट के रखे हैं और ये चने भी बढ़िया से धो कर ले लिए हैं तो अब बारी है मसालों की तो चलिए इसकी मसाले हम तैयार कर लेते हैं और इस सब्जी को बनाने के लिए जो भी मसाले लेंगे हम खड़े मसाले लेंगे और उसे इस मिक्सी जार में पीस लेंगे कोई भी पाउडर वाले मसाले हम यूज नहीं करने वाले हैं अगर आपके पास मिक्सी जार ना हो या मिक्सी ना हो पीसने की कोई सुविधा ना हो तो आप जो पैकेट वाले मसाले है, उसे यूज़ हैं उसे भी यूज कर सकते हैं उससे भी ये टेस्ट बढ़िया आता है तो अब इसमें हम लहसुन डाल दे रहे हैं और ये नई वाली लहसुन है तो इसे हम छीलेंगे नहीं बस इसकी जो गाँठे आती है उसमें से दो गाँठों की लहसुन हम छील ले लिए हैं और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच काली मिर्च और दो बड़े चम्मच हम धनिया लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और तीन लाल मिर्च लेंगे ये तीखी वाली लाल मिर्च है इसीलिए हम तीन ही लिए हैं आप तीखा अपने अनुसार ले लीजिएगा जितना आप तीखा खाते हो तो ये मिर्च हम तीन ही डालेंगे और अब लेंगे हम छोटा सा अदरक का टुकड़ा और ये कुछ गरम मसाले जिसमें दालचीनी जामित्री बड़ी इलायची छोटी इलायची और चार पांच लौंग है और इसे पीसने के लिए हम चार पांच चम्मच पानी डालेंगे और इससे अब पीस लेंगे खूब बढ़िया से तो चलिए इन मसालों को पीस कर हम बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं और ये देखिए मसाले खूब बढ़िया से पीस चुके हैं और ये मसालों का खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है जब आप मसाले घर में पीस कर बनाते हैं ना कोई भी सब्ज़ी कोई भी रेसिपी तो बहुत बढ़िया बनती है तो अगर हो सके तो आप मसाले पीस कर ही बनाएं चाहे सिलबट्टे पर या मिक्सी के जार में और अगर संभव ना हो सके पीसना तो आप पैकेट वाले मसाले भी यूज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस सब्जी को बनाना तो कढ़ाई को करेंगे गर्म इसमें डालेंगे तीन चम्मच के लगभग हम सरसों का तेल इसमें दो तेज़ पत्ते डालेंगे और आधा चम्मच के लगभग जीरा और इस में तड़का देने के लिए हम प्याज को काट लिए हैं एक बड़ा प्याज काटे हैं और इस सब्जी में डालेंगे हम दो टमाटर तो वो टमाटर भी हम काट कर पहले ही रख लिए हैं तो जब तेल खूब बढ़िया से गर्म हो जाए तो इसमें कटे हुए प्याज हम डाल देंगे और इसे खूब बढ़िया से भून लेंगे और इस प्याज को एकदम से लाल नहीं करना है जब प्याज आधा पक जाए आधा ही भुनें उसके बाद हम इसमें आलू को ऐड करेंगे और इस वक्त हम गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखेंगे और इसमें हम काट देंगे दो हरी मिर्च कटी हुई अगर आपकी इच्छा हो तो डालें और ना डालना चाहें तो ना भी डालें क्योंकि तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं तो ये देखिए प्याज लगभग भुन चुका है इसे पूरा नहीं भुनना है अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू जो आलू हम काट के रखे थे उसे इसमें हम डाल देंगे और इसे भी लाल होने तक भूनेंगे जब तक इस आलू को हम भूनेंगे और प्याज़ भी बढ़िया से भुनेंगे तब तक ये दोनों चीज़ खूब बढ़िया से भून पक जाएगी तो आलू और प्याज़ हम दोनों साथ साथ भुनेंगे ताकि प्याज भी लाल हो जाए और आलू भी लाल हो जाए तो ये देखिए ये समय कितना बढ़िया से ये पक चुका है प्याज और आलू भी लगभग थोड़ा बहुत भून चुका है थोड़ा सा इसे और हम भूनेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया भून चुका है आलू भी ये देखिए इसमें लाल लाल कलर आ गया है आलू और प्याज दोनों बढ़िया से जब भून जाए तो इसमें अब हम ऐड करेंगे मसाले जो मसाले हम मिक्सी जार में पीस कर रखे थे वही मसाले ऐड करेंगे एक्स्ट्रा में हम कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे तो चलिए इन मसालों को भी खूब बढ़िया से हम भून ले रहे हैं और गैस का फ्लेम हम एकदम मीडियम से लो ही रखेंगे हाई फ्लेम पर मसालों को बिल्कुल मत भूनिएगा नहीं तो मसाले जल जाएंगे तो इसे लो फ्लेम पे ही खूब बढ़िया से हम भूनेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया भून चुका है ये सारी सब्जी और मसाले और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के तली में भी मसाले चिपक रहे हैं क्योंकि तेल इसमें हम ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं तो इन मसालों को भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दो बड़े टमाटर जो हम पहले ही काट कर रख लिए थे और टमाटर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा इसमें हम चला लेंगे क्योंकि इस कढ़ाई में तो सब्जी हम बनाएंगे नहीं तो इसीलिए टमाटर को और आलू को एकदम रफली हम काट कर रखे थे तो चलिए इसे बढ़िया से चला लेते हैं और अब इसमें हम ऐड करेंगे चने तो चने जो हम धोकर छान कर रखे हैं उसे भी इसमें हम डाल देंगे और चने डालने के बाद इसे खूब बढ़िया से चला ले ताकि सब मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कढ़ाई में से इस सब्ज़ी को दूसरे बर्तन कुकर में डाल देंगे क्योंकि इसमें सब्ज़ी नहीं बनने वाली हम कुकर में पकाएंगे ताकि सीटी लग जाए उसमें बढ़िया से और बढ़िया से पक जाए तो ये अच्छी तरह से भून चुका है मसाले मिक्स हो चुके हैं तो चलिए इसे अब हम कुकर में डाल लेते हैं उसके बाद आपको हम दिखाते हैं तो ये देखिए कुकर में हम डाल लिए हैं और कढ़ाई में जो मसाले लगे हुए थे उसे भी पानी से धोकर खूब बढ़िया से इसमें डाल लीजिएगा क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें बर्बाद नहीं करनी है और अब इसमें हम डेढ़ से दो गिलास के लगभग पानी डालेंगे क्योंकि जो चने हैं बहुत देर तक गलते हैं तो इसमें पाँच से छः सीटी लगेगी तो इसीलिए हम पानी ज़्यादा ऐड किए हैं ताकि खूब बढ़िया से जो ये चने हैं गल जाए और इसमें पानी डालने के बाद इसमें हम लगाएंगे ढक्कन क्योंकि सब चीज़ें इसमें पड़ चुकी है मसाले भून चुके हैं नमक टमाटर सब कुछ पड़ चुका है तो अब बारी है इसमें सीटी लगाने की और इसमें पाँच से छः सीटी हम लगाएंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम मीडियम रखेंगे मीडियम से अगर हो सके तो कम ही रखें उस आंच पर जो ये चने हैं खूब बढ़िया पक कर तैयार हो जाते हैं तो ये देखिए सब्जी बनकर खूब बढ़िया से तैयार हो गई है इसका कलर आप देख सकते हैं तो लाइट की थोड़ी दिक्कत है हमारे किचन में तो चलिए आपको हम बढ़िया से लाइट के साथ दिखा देते हैं तो ये देखिए कितना बढ़िया बनकर सब्ज़ी तैयार हुआ है इसे हम पलट ले रहे हैं दूसरे बर्तन में ताकि आप बढ़िया से देख सकें ये देखिए और ये खाने में एकदम बिल्कुल चाट और छोले जो होती है ना उसकी तरह ये टेस्ट लगता है इसमें बस कमी है तो बस इमली की पानी की ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसकी ग्रेवी देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है और ये चने और मसाले आलू सब खूब बढ़िया से पक के तैयार हो गए हैं और चने एकदम गल से जाते हैं पाँच छः सीटी लगाने पर मैसी टाइप के हो जाएंगे तो इसके ऊपर आप हरी धनिया की पत्ती काट कर डाल सकते हैं मेरे पास नहीं थी तो हम नहीं डाले हैं और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा काले चने की सब्जी इसे रोटी चावल पराठे के साथ खाइए बहुत बढ़िया लगेगी तो ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी सपोर्ट कर सके तो बाय राधे राधे